बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट टू शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल का फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन लार्ज सैम्पल। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन पढ़ा, आज हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पढ़ेंगे लेकिन लार्ज सैम्पल के लिए, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है लेट रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एन, एन इज़ ग्रेटर दैन 30 विद ड्रॉन फ्रॉम अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन अननोन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस एंड लेट सैम्पल प्रोपोर्शन बी पी हैट इज इक्वल्स टू एक्स बाई एन। हम लोगों के पास यहाँ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ हैं, यानी कि स्मॉल एन जो होगा वो हम लोगों के पास इस प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में हमेशा 30 से बड़ा होगा, जिसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पर जो सक्सेसेस यानी कि पी होता है उसको कंसीडर करते हैं और क्यू यानी कि फेलियर होता है उसको कंसीडर करते हैं, जो कि सैम्पल प्रोपोर्शन में हम लोगों का आता है जो कि है पी हैट। अगर हमने पी हैट को निकालना है खुद से वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग तो उसका फार्मूला होगा एक्स बाय एन। दस द रैंडम वेरिएबल जी इज इक्वल टू पी हैट माइनस पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू बाय एन। ये फार्मूला जी का हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, जिस फार्मूले को हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज़ करेंगे विल बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल 0 1, यानी कि मीन 0 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस है वो 1 है। एंड हेंस वी कैन स्टेट दैट प्रोबेबिलिटी माइनस जी अल्फा बाई 2, इस फार्मूले के ये फार्मूला आपका मिड में आ जाएगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस जी अल्फा बाई 2 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर जी अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यानी कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद हमारे पास जो चीज डिनोमिनेटर में है, अगेन उसी प्रोसेस की तरह हम लोग दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा देंगे अंडर रूट पी क्यू बाई एन को, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी माइनस जी अल्फा बाई 2 अंडर रूट पी क्यू बाई एन लेस देन पी हैट माइनस पी लेस देन जी अल्फा बाई 2 अंडर रूट पी क्यू बाई एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर जो है ये पैरामीटर सिर्फ हम लोगों के पास पी रहना चाहिए, तो ये जो पी हैट है हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दोनों साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस पी हैट माइनस जी अल्फा बाई 2 अंडर रूट पी क्यू बाई एन लेस देन माइनस पी। अब यहाँ पर सिंपल माइनस पी रह जाएगा लेस देन माइनस पी हैट प्लस जी अल्फा बाई 2 अंडर रूट पी क्यू बाई एन। अब यहाँ पर जो ये माइनस वाली टर्म है, अगर हमने इन सबको यहाँ पर जो पैरामीटर के साथ माइनस है अगर हमने इसको ख़त्म करना है क्योंकि हम लोगों को सिर्फ स्मॉल पी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर माइनस वन को सारी जगह मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले इस टर्म के साथ माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, फिर मिड वाली टर्म के साथ माइनस वन मल्टीप्लाई होगा और देन इस साइड पर माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम लोगों के पास फॉर्म बन जाएगी पी हैट प्लस जी अल्फा बाई 2 अंडर रूट पी क्यू बाई एन। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ग्रेटर वाली साइड इसलिए यूज़ की है, तो ये वाली साइड हम लोगों के पास पॉजिटिव की है, ये वाली साइड हम लोगों के पास माइनस वन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली बनी है, और ये हम लोगों के पास मिड में पैरामीटर और यहाँ पर ये वाली साइड नेगेटिव की साइड। अब ये साइन हम लोगों के पास पॉजिटिव की है, ये साइन हमारे पास नेगेटिव की है, तो इन दोनों में से ये साइड हम लोगों के पास बड़ी है तो इसलिए यहाँ पर जो साइन है वो ग्रेटर में यूज़ हो गए हैं। अब अगर हमने इसको अरेंज करके लिखना है अपनी फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जो हमने यूज़ करना है, नेगेटिव वाली साइड पहले आ जाएगी, पॉजिटिव वाली साइड बाद में आ जाएगी, और फिर जो साइन है वो लेस देन के अकॉर्डिंग आएंगे क्योंकि ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। ये वाला हम लोगों के पास आ गया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। इन केस अगर हम लोगों के पास एन की जो वैल्यू है वो 30 से बड़ी होती है तो हम लोग यहाँ पर पी हैट की जगह पर स्मॉल पी हैट यूज़ करेंगे, दोनों तरफ बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 15.26 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.26 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है इन अ सर्टेन लार्ज सिटी अ रैंडम सैम्पल ऑफ 400 फैमिलीज कॉन्टेक्टेड बाय अ लोकल टीवी स्टेशन शोड दैट 275 ऑन कलर्स टीवी सेट फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ ऑल फैमिलीज लिविंग इन द सिटी हु ऑन कलर टीवी सेट्स। हम लोगों के पास ये एग्जाम्पल आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बहुत दफ़ा आती भी है। हम लोगों के पास एक लार्ज सिटी है जिसमें रैंडम सैम्पल है 400 और जिसमें टीवी स्टेशंस हैं वो लोकेट हुए हैं फैमिलीज़ में कितने 275, 400 में से 275 टीवी सेट्स उन लोगों ने लगाए हैं कलर टीवी सेट्स। अब आपने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग
इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हम लोगों ने इसमें प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर जो हम लोगों के पास 400 है ये n की वैल्यू है, 275 ये x की वैल्यू है। और जैसे मैंने आपको p हैट बताया था कि p हैट अगर हम लोगों के पास ना गिवन हो तो उसका फार्मूला बनेगा x बाय n। तो हम लोगों के पास यहाँ p हैट आ जाएगा, फिर उसी से हम लोग q निकाल लेंगे जिस तरह हम बायनोमियल में फेलियर और सक्सेस को निकालते थे। n 400 ही है और z हम लोगों के पास 90% है और हम लोगों के पास इसमें n जो है वो 30 से बड़ा है, तो हम इसमें स्मॉल पी हैट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15.26 में हम लोगों ने जो n की वैल्यू है वो है 400 यानी कि 30 से बड़ी है और जो x है उसकी वैल्यू है हम लोगों के पास 275। तो हम लोगों के पास जो फार्मूला आएगा वो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे जो कि है पी हैट माइनस जी अल्फा बाय 2 अंडर रूट पी क्यू बाय n लेस देन पी लेस देन स्मॉल पी हैट प्लस जी अल्फा बाय 2 अंडर रूट पी क्यू बाय n। अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से पी हैट सॉल्व कर लेंगे जिसका हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो बनता है x बाय n। अब इसमें हम लोगों के पास जो x है वो है 275 और जो हम लोगों के पास n है वो है 400। तो अगर हम लोग यहाँ पर p हैट सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.6875। और उसी तरह से जिस तरह से हम लोग बाइनोमियल में निकालते थे कि अगर हम लोगों के पास p है तो q निकालना है, तो उसका मेथड हम लोगों के पास आता था 1 - p हैट, यानी कि 1 में से सक्सेस को माइनस कर देंगे तो फेलियर आ जाएगा। तो हम 1 में से 0.6875 को माइनस कर देंगे तो हम लोगों के पास यहाँ q हैट का आंसर आ जाएगा। q हैट का आंसर आ जाएगा 0.3125। ये हम लोगों के पास p हैट और q हैट इन दोनों के आंसर्स आ गए हैं। अब हम लोगों के पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, पी हैट बी क्यू बी और एन बी। अब हम लोगों ने जो सिंपल सॉल्व करना है वो हम लोगों ने सॉल्व करना है जी अल्फा बाय 2 जो कि 90% के अकॉर्डिंग है। तो अब हम लोग 90% के अकॉर्डिंग टेबल में वैल्यू देखते हैं, तो ये हम लोगों के पास टेबल है 90% को अगर आप 2 टेल में देखते हैं तो वैल्यू आ रही है 1.64 और अल्फा बनेगा 0.10। तो 1.64 हम लोगों के पास जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। अब उसके बाद p और q की वैल्यू आने के बाद हम लोगों के पास जो फार्मूला है अब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले p हैट की वैल्यू जो कि है 0.6875, z अल्फा बाय 2 की 1.645, p की और q की। यहाँ पर अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर p हैट और यहाँ पर p q है, वैल्यूज़ आपके पास सेम ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर डिफाइन करने के लिए कि ये चीज़ डिफरेंट है तो इसलिए पी हैट यूज़ हुआ, लेकिन वैल्यूज़ सब में सेम ही यूज़ होंगी। यहाँ पर पी की वैल्यू अगेन 0.6875, क्यू हैट की 0.3125 और डिवाइड में आ जाएगा 400 लेस देन पी लेस देन सेम ही केस लेकिन पॉजिटिव के साइन के साथ। अब उसके बाद सबसे पहले आपने 0.6875 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.3125 के साथ और डिवाइड करना है 400 के साथ, आंसर आ जाएगा 0.3335371 और सेम यही केस यहाँ पर पॉजिटिव के साइन के साथ। अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 0.0231। अब 0.0231 को जब हम 1.645 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आ जाएगा 0.0381। यहाँ पर भी 0.0381, यहाँ पर 0.6875 में से जब माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर 0.6493 और राइट हैंड साइड पर जब दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7256। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 15.26 कंप्लीट हो गई है जो कि थी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। इसमें हम लोगों ने सिर्फ सिंगल प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, उसमें हम लोगों के पास P1, Q1, N1 और P2, Q2, N2 ये सब चीज़ें आएंगी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।